दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। इसके लिए मैं आप सभी को स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स भी दिखाना चाहूंगा जो साफ तौर पे कहा गया है। इसी पोस्टर पे पहले लिखा था दबदबा है, अब दबदबा रहेगा, और ये भी लिखा था कि भगवान का दिया हुआ है। आज स्थिति बदल चुकी है, जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, WFI को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, नए अध्यक्ष को निलंबित कर दिए गए हैं, साक्षी मलिक ने अपने जूते रखते हुए तो अपना रिटायरमेंट एक तरह से घोषित किया, बजरंग पुनिया ने अपना मेडल जो उनको दिया गया था वो लौटा दिया। तो ऐसी इन सब दबदबाव के चलते जो ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा था उसको फाइनली खत्म कर दिया गया। क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस दबदबे को खत्म किया गया है कि क्या जाटों को इसके जरिए साधने की कोशिश होगी? क्योंकि जब 156 सांसद जब निलंबित हुए उसके बाद जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि जाटों का अपमान किया जा रहा है, मेरा अपमान जाटों का अपमान है, उसको साधने के लिए क्या ये स्टेप है? इस स्टेप से क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ठाकुरों के समुदाय से आते हैं, तो जो ठाकुर इस कदम से नाराज होंगे उनको आखिर कैसे साधेगी भारतीय जनता पार्टी? नीलम जी, बीजेपी का ये जो कदम है इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना दबदबा दिखाना उनको भारी पड़ गया? अगर वो ना दिखाते ऐसा दबदबा या पोस्टरबाजी ना होती तो शायद वो बीजेपी के आला नेताओं की नजरों में नहीं। देखिए, जब सरकार आपकी मुट्ठी में हो, आपकी ताकत आपके पास हो, तो नेचुरली आपका दबदबा तो हर जगह रहता है, सेंटर में भी रहता है। आप देखिए 141 से भी ज्यादा सांसद आपने निकाल दी, वो तानाशाही तो थी, सत्ता का गुरूर था, और यही गुरूर जो है हमें ब्रजभूषण में भी नजर आया। इलेक्शन तो होने थे, चलो ठीक है, 45 की वोट के अंतर से वो जीत भी गए, लेकिन वो संजय सिंह ऐसा चेहरा थे कि अगर उनको ट्रेजरर और सेक्रेटरी के साथ उनका चेहरा मिला दिया जाए तो कोई पहचान भी नहीं सकता। और उनके गले में सिर्फ एक माला थी, ब्रजभूषण का गला भरा हुआ था मालाओं से, तो एक्चुअल में प्रेसिडेंट कौन बना था? तो मतलब कुर्सी और कुश्ती दोनों वहीं के वहीं ब्रजभूषण के पास ही रह गई। यहां तक कि जो पहली मीटिंग से जो एक डिसीजन निकल के आया वो भी उन्हीं के घर के ऑफिस से निकल के आया। तो इन सब चीजों का जो देखकर नेचुरली किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का मन दहल जाता है। तो वही कदम जो है वो साक्षी मलिक ने भी उठाया, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वे बेहद भावुकता में आकर उन्होंने अपने शूज भी निकाल के टेबल पर रख दिए थे, तो सबकी आंखों में पानी आ गया कि एक वो लड़की जिसने पहली बार कुश्ती में इंडिया को मेडल दिलाया था, आज वो किस वजह से मजबूर हो गई कि उसने अपने जूते वहां पर रखने पड़े, वो खेल के लिए कितना डेडिकेटेड थे। तो यहां से जो है एक जो मैसेज जो पब्लिक में गया तो वो सबको ये था कि अब लड़कियां किस तरह से आएंगी। और उसके बाद रात को जो विनेश फोगाट ने एक ट्वीट किया था कि क्या किसी खिलाड़ी की मौत पर ही सभी जागेंगे, एक वो बहुत दहला देने वाला उन्होंने ट्वीट किया था जिससे कि सभी डर गए थे कि कोई अनहोनी ना हो जाए। फिर उसके बाद एक और ट्वीट साक्षी मलिक का भी आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बहुत सारी लड़कियों ने उन्हें मैसेज किया है कि जो नए अंडर 17 और अंडर 16 के जो मैचेस हैं वो तो गोंडा इलाके में ही होंगे, ब्रजभूषण के अपने इलाके में लड़कियां कैसे वहां जाके खेलेंगी। तो इस ये जो सवाल जब सबके सामने आए तो नेचुरली सबके सब दहल गए थे। तो एक तो ब्रजभूषण की ताकत, और उसके ऊपर आप देखिए कि बिना किसी मीटिंग के उन्होंने अपने नेक्स्ट मैचेस अनाउंस कर दिए कि वो होने जा रहे हैं, वो भी उन्हीं के एरिया में, मतलब कुर्सी और कुश्ती। तो ये ताकत का ही तो नशा है जो वो दिखा रहे थे। तो इस पर जिस तरह जब सब लोग सड़कों पर आए आवाज उठाई, तो नेचुरली इलेक्शन नजदीक है, 24 के इलेक्शन ज्यादा नहीं है, सरकार कोई रिस्क नहीं ले सकती, ना तो पेट्रोल के दाम बढ़ाती है ना कोई वो नया तमाशा सड़क पर देख सकती है। तो इमीडिएट स्टेप हुआ, नड्डा जी ने ब्रजभूषण को बुलाया है। तो अब देखिए, एक तो इलेक्शंस रद्द कर दिए गए क्योंकि साफ दिख रहा था कि जीता कौन है, सबके सब वही पुराने खिलाड़ी हैं। दूसरा, उसके बाद जो है ब्रजभूषण ने ये कहा कि वो कुश्ती से दूर रहेंगे क्योंकि खिलाड़ी भी दूर है तो वो भी दूर है, आप देखिए नशा इतनी आसानी से नहीं उतरता है। तो तीसरा, अभी अभी जो एक न्यूज आया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बोला है कि जितने भी काम है, क्योंकि 2024 के जो ओलंपिक्स हैं वो काफी नजदीक है, पेरिस में जो होने अगले साल अगस्त में, तो खिलाड़ियों का, रेसलिंग फेडरेशन के खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन है वो अब IO ही देखेगी। मतलब अगले 3-4 महीने तक जो ये फेडरेशन है इसको सस्पेंड कर दिया गया, ये कोई काम नहीं देखेगी। तो इतना जरूरी कदम सरकार ने क्यों उठाया? क्योंकि इलेक्शंस बहुत नजदीक है, और दूसरा क्योंकि ये जाटों से रिलेटेड मामला है। अब साक्षी मलिक ने एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ये कदम उठाया है, एक जाट के रूप में नहीं, उसने हमेशा एक अपनी स्पोर्ट्स की भावना को सामने रखा है। जबकि अभी हमने देखा धनखड़ जी ने अपनी थोड़ी सी मिमिक्री होते ही जाट कार्ड प्ले कर दिया था, लेकिन साक्षी जाट होते हुए भी उसने जाटों का कार्ड नहीं खेला। लेकिन ये जरूर है कि उसके पीछे हरियाणा के सारे जाटों की एक शक्ति है, खिलाड़ियों के साथ है। जब पहले भी उन्होंने सड़क पर आंदोलन किया था ब्रजभूषण के अगेंस्ट, उस वक्त भी सारी खाप पंचायतें गाँव के गाँव जो है उसके लिए सड़क पर आ गए थे। तो सरकार इस चीज से डरती है, इसलिए ये फटाफट इस तरीके के जो कदम है ये उठाए गए हैं। तो ये एक सही कदम है लेकिन बड़ी हड़बड़ी में और सिर्फ इलेक्शंस के डर से उठाया गया है, क्योंकि अभी फेडरेशन सिर्फ सस्पेंड हुई है, उसके इलेक्शन यू के यू ही है। तो सिर्फ इतना भी कदम शायद हम कहेंगे कि
उठाया है वो बहुत जरूरी था, तो कम से कम इस कदम के लिए तो सराहना की जानी चाहिए और जाटों की ताकत के सामने सरकार झुकती है। जहां तक बात हो रही है, जिस तरह से खेल मंत्रालय ने चीजों को चुनाव को रद्द किया, सड़कों पे किसानों की जिस तरह से दुर्दशा की गई थी, कानून लाए गए थे और बड़ी बड़ी बातें की गई थी, उस समय जब किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे थे, मैं दुर्व्यवहार शब्द का इसलिए प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि जितनी मौतें हुई है ना, अगर किसी आपदा में होती तो वो घटना सरकारें बार बार भुनाती उसको, कितने लोग यहाँ हुए, हमने इसका ये किया, लेकिन उन पे कोई बात नहीं होती है। वो किसान गए, न शहीद का दर्जा मिला, न उन परिवारों के बारे में क्या हुआ, कानून आए नहीं आए। उसके बाद सरकार आती है एक साल बाद और कहती है कि मुझमें कुछ गलती है, मुझमें कुछ कमी रह गई थी, और वो कानून वापस ले आते हैं। जो कल और परसों की 4-5 दिनों की घटना है, वो भी किसान थे और किसानों में जाट ज्यादा थे, लेकिन तब हमारे माननीय संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों का कहीं से भी असम्मान नहीं हुआ था, कहीं से किसी को चोट नहीं लगी थी, कोई भी आघात नहीं लगा था मिमिक्री करने के बाद, जबकि मिमिक्री को सदन के अंदर प्रथम रूप से उद्घाटित करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे, जिन्होंने बखूबी मिमिक्री की हुई है। मतलब प्रथम सदन के अंदर अभिनय को लाने की जो कोशिशें की गई थी वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, सबने देखा हुआ है, वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद सदन के बाहर कुछ लोगों ने अगर किसी की मिमिक्री, आकाश जी मैं पूछना चाहूंगी, इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, क्या मिमिक्री इस देश में बैन है? क्या मिमिक्री करना कहीं से भी दंड के पात्र को बनाती है? कहीं लिखा हुआ है क्या दंड संहिता में कि आप किसी व्यक्ति का अभिनय नहीं कर सकते? हम पढ़ाते हैं, आपको पता है, पढ़ाने में भी हम मिमिक्री करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात करनी होती है तो उसके शब्दों को लाते हैं। हमारे, आप तो छोड़ दीजिए, हम लोग, चूंकि मैं साहित्यकार भी हूं, मैं अपना पढ़ाती भी हूं, कभी 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 कुल के जो जिनको हमने देखा है, अब अगर मैं बात करूं आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो कभी है और कभी कुल के हैं, तो हमारे भी सबके हैं, तो उनकी भी रचनाओं को लाते हैं और उनकी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब भाजपा के लोग हम पे मिमिक्री का आरोप लगा देंगे और सबके कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हो जाएंगी। ये जो कुछ हुआ, जिस तरह से साक्षी मलिक का जो चेहरा था, मुझे लगता है वो सिर्फ एक एक लड़की का चेहरा नहीं है, वो इस देश की वो आम लड़की या वो लड़कियां जो इस देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनका रुदन था। उस रुदन को देखने वाला कोई नहीं है, सरकार पीसज नहीं रही है, क्योंकि आप देख रहा था जंतर मंतर पे जिस तरह से महिलाओं को, लड़कियों को घसीटा गया था, किसके द्वारा? तानाशाह नहीं हमारे यहां, हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन कौन से लोकतंत्र की हम बात करेंगे, क्योंकि विपक्ष में जो जो नियम पास कराए गए, रविंद्र जी, आकाश जी, नीलम जी और रामकुमार गुप्ता जी स्वयं मानेंगे, बिना विपक्ष के, बिना किसी बातचीत के जो अधिनियम, जो विधेयक पास किए गए हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है, उन पर कोई बात भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मंशा जाहिर है, जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि जो घबराई हुई सरकार है, इसको लगता है कि अगर हम बातचीत कर लेंगे तो सत्य उद्घाटित हो जाएगा, इस डर से ये सब कुछ करने की कोशिश करती है। और मैं मानती हूँ इस बात को, सत्य उद्घाटित होने में समय लग सकता है, लेकिन जनता, हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं, जो अंग्रेजों को भगा सकते हैं एक साथ होके, वहां जाति धर्म कुछ भी नहीं था, सबने एकजुटता अपनाई और सभी क्रांतिकारी एक दूसरे से मिलके इस देश में उन अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, जिनकी तूती बोलती थी, जिनका सूर्य कभी बंद उदित, मतलब उदित रहता था 24 घंटे, ऐसे लोगों को हमने बाहर किया है, तो इनको क्या लगता है तानाशाही की जो बातें हैं, क्योंकि कभी भी सूर्य सिर्फ उदित हो ऐसा होने वाला नहीं है, तो करने दीजिए इनको। तटस्थता जब तक लोगों में नहीं आएगी, लोग सोचेंगे समझेंगे नहीं, लेकिन हो रहा है, लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, और प्रभाव कुछ नहीं है। जाट गुस्सा नहीं है, किसान गुस्सा नहीं है, सब तो दुखी है, दुखियारे लोग स्थान तलाश रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़े, तो किसी पे ना कोई है। हाँ, खेल मंत्रालय ने जो दिखाया, जो रद्द किया गया चुनाव, ये दिखाता है कि घबराई हुई सरकार कब कहां क्या, कभी किसान आंदोलनों को दरकिनार करने वाले लोग वापस भी लेते हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये दबाव था खिलाड़ियों का, जनता का दबाव था, और जनता का दबाव जब जब पड़ता है तो सरकारें बदलती हैं इस तरह से, और बदलेंगी।